वो आराम से दौड़ रही थी और अचानक एक दरिंदा आया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। पहले उस हैवान ने लड़की के शॉर्ट्स उतारे और फिर दिया एक खौफनाक वारदात को अंजाम। एक लड़की जो सुबह की पहली किरण से लेकर दिन के आखिरी पहर तक सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देती थी, जिसका जीवन सिर्फ ट्रैकिंग पर टिका हुआ है, उसके साथ ट्रैकिंग करते वक्त एक शर्मनाक घटना हुई। ब्रिटेन की रहने वाली एलिसन वॉकर एक एथलीट है और 36 साल की इस महिला की बहुत जल्द पुर्तगाल में रेस होने वाली है, जिसके लिए ये दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन पिछले दिनों ट्रैकिंग के दौरान एलिसन के साथ एक दर्दनाक घटना हुई। दरअसल जब एलिसन ट्रेनिंग कैंप के लिए बाहर गई थी, तब एक आदमी ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन एलिसन की बहादुरी और समझदारी की वजह से वो बच निकली। ये पूरा इंसिडेंट उन्होंने एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है। एलिसन ने बताया कि ट्रैक पर उस दिन वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी थी, तभी अचानक झाड़ियों से एक शख्स निकला और उन्हें पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इतने में वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही शख्स ने एलिसन के शॉर्ट्स उतारने शुरू कर दिए। एलिसन ने उससे कहा कि वो सारा कीमती सामान ले ले और उन्हें जाने दे, लेकिन वो दरिंदा नहीं माना। एलिसन ने आगे बताया कि शुक्र है कि उसी दौरान उनकी स्मार्ट वॉच का क्रैश अलर्ट एक्टिव हो गया, जिसके बाद एलिसन ने उस आदमी से कहा कि इस घड़ी से पुलिस के पास फोन पहुंच गया है। इसके बाद उसके कदम पीछे हट गए, लेकिन रेपिस्ट ने एलिसन की स्मार्ट वॉच छीनी और वहां से रफू चक्कर हो गया। एलिसन ने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया, ऐसा लगता है जिस शख्स ने उसके साथ रेप की कोशिश की वो पहले से पूरे इरादे के साथ वहां छिप कर खड़ा था। उस आदमी ने इतनी जोर से एलिसन को पकड़कर जमीन पर गिराया कि उनके कॉन्टैक्ट लेंस तक गिर गए, जिसके बाद एलिसन उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी। एलिसन बस चिल्ला रही थी। उससे बचने के बाद वो बाहर की तरफ भागी, जहां उसके दो दोस्त केविन और शोरेन मिल गए। ये दोस्तों ने ही एलिसन की मदद की थी। इसके बाद एलिसन ने पुलिस को फोन किया और सारी बातें फोन पर ही बताई। एलिसन ने आगे बताया कि वो कई बार ऐसी जगहों पर ट्रेनिंग के लिए जा चुकी है, लेकिन ये पहली बार था जो उनके साथ ऐसी दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। एलिसन ने कहा कि सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि बचे हुए दिनों में अब मैं ट्रेनिंग भी कर पाऊंगी या 3 हफ्ते बाद होने वाली रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हो पाऊंगी। हालांकि हाथ पैर और चेहरे पर कुछ खरोचों को छोड़कर ज्यादा चोट नहीं लगी थी उन्हें। एलिसन ने बाकी एथलीट को भी आगाह किया है कि अगर वो अल्गार्वे के आसपास वाले रनिंग ट्रैक पर हैं, तो उस ट्रैक पर अकेले ना जाएं। वहीं पुलिस भी उस आदमी की तलाश में जुट गई है और कहा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।